पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के बिलहरा में पूर्व सीएम की सभा में शामिल होने आए जबलपुर के कांग्रेसियों से पुलिस ने पूछताछ की। तिली रोड स्थित सिटी गार्डन में रुके दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से पुलिस ने पूछताछ करते हुए उनके दस्तावेजों की जांच की। इस मामले में सागर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह का क्या कहना है, सुनिए। देखिए, एक तो वैसे भी जो सुर्खी विधानसभा का उपनिर्वाचन है उसके लिए जो है जो जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा 144 के आदेश जारी किए गए हैं उसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो भी होटल, धर्मशाला, लॉज, मैरिज गार्डन इत्यादि हैं उनके आयोजकों या संचालकों का दायित्व है कि उनके यहाँ कौन लोग रुके हैं उसकी डेली जानकारी दें। अभी हाल ही में लगातार पिछले 2-3 दिन से ऐसी शिकायतें जिला दंडाधिकारी कार्यालय में निर्वाचन आयुक्त के जो पर्यवेक्षक महोदय हैं एवं पुलिस को प्राप्त हो रही थी, जिसमें पृथक पृथक राजनीतिक दलों द्वारा इस बात की आशंका जताई गई थी कि बाहर से आए कुछ तत्वों द्वारा राजनीतिक कार्यक्रमों में किसी प्रकार की विघ्न बाधा उत्पन्न की जा सकती है। उसी परिप्रेक्ष्य में कल से लगातार ये होटल वगैरह की चेकिंग की जा रही थी और उसी चेकिंग के दौरान आज जो है किली के पास में एक सिटी मैरिज गार्डन में 70-80 से ज़्यादा संख्या में लोग जो है उपस्थित पाए गए, जो कि किसी एक राजनीतिक दल के प्रचार प्रसार के लिए आना और इकट्ठा होना प्रतीत हुए। चूँकि मैरिज गार्डन द्वारा इस संबंध में कोई भी उनके यहाँ रुके हुए व्यक्तियों की कोई सूचना नहीं दी गई, न ही ये जो व्यक्ति रुके थे उनके द्वारा भी किसी प्रकार का वहाँ पे रजिस्टर में अपना आईडी या इंद्राज कराया गया था। इससे प्रथम दृष्टया यह इस बात की संभावना थी कि ये किसी भी ऐसे उद्देश्य से इकट्ठा हुए हैं जो कि मतलब वैधानिक रूप से उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त जिस तरीके से वहाँ थे उसमें जो कोरोना से रिलेटेड जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो उपबंध हैं उनका भी पालन नहीं हो रहा था, उस पर जो है थाना गोपालगंज द्वारा FIR भी की गई है और इनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। सर, कितने लोगों पर कार्रवाई की गई? अभी तो वहाँ पर जो ज्ञात 19-20 लोग मिले थे और जो बाकी अज्ञात जिनकी पहचान वहाँ पर आसपास के कैमरों और जो वहाँ पर कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें वाहनों के नंबर हैं उनके आधार पर उनके भी नाम पता की जाए। पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।